दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसे कि अभी देख रहे हैं, अभी भी मुझे कॉल आया कि मेरे भाई का कि उसे घर में ऑफिस में सांप ढुक गया है। तो चलिए मैं उसे रूबरू कराता हूँ, पता करता हूँ कि कैसे कहाँ पर है सांप। एक्चुअली आइए दिखाता हूँ। बताइए आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम। मेरा नाम परिमल हरी नाम है, कंकुली रेशन में सर्विस करता हूँ सिक्योरिटी का। तो हमने टॉयलेट करने गए थे तो हम देखे कि बगल से ही कोई सांप गुजर रहा है। घुसने के बाद आपका रेल है, रेल में घुस गया। तो फिर मेरे को सब बोला कि अरे उसको निकालो। तो फिर मैं अपना भाई सरकार को फ़ोन किया कि भाई आप आइए और उसको जल्द से जल्द उसको निकालने का कोशिश कीजिए। जी बस ठीक है, चलिए मैं फटाफट अंदाज में देखता हूँ आप कौन सा, उसके बाद बताता हूँ। ये हमारे भारत देश का एकमात्र, सुन लीजिए, हल्ला मत कीजिए, ये हमारे भारत देश का एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू धर्म में नाग के नाम से जाना जाता है। कहीं गहुमन कहीं नाग के नाम से जाना जाता है। इंडियन इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है। सालाना कम से कम उसको ले के ले। इनका एक बूंद से करीब 15 से 20 50 60 आदमी का पर सालाना इंसान का मृत्यु होता है। तो चिपक दीजिए जो हाँ कस का पकड़ खोल एक मोड़ रेड देख ना इसमें छेंदा कर उठ गाय चबंद है। हाँ छेदा छेदा सिपोट है पूछ उछ सब जो निकाल दो ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं कल मैंने एक सांप रेस्क्यू किया था बंकला कॉलेरी ऑफिस में। तो मैं आज उस सांप को लेकर आया हूँ जंगल में मैं रिलीज करने के लिए। ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे हिंदू धर्म में नाग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं मैंने उस सांप को रिलीज कर दिया है। ऐसे में अगर
ऐसे में कोई भी सांप अगर आपको बाइट करे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाए, ना कि झाड़ फूक। ऐसे जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है, जैसे कि जब भी सांप काटे तो झागुनी के चक्कर में ना जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं।